अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल देसी तड़का। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ मटन नमकीन के लिए। ये बहुत ज़बरदस्त तैयार हुई है, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, वीडियो को एंड तक वॉच करिएगा। ये बहुत सिंपल सी है और दो तीन स्टेप में तैयार हो चुकी है। मटन नमकीन कलेजी तैयार करने के लिए हम 2 टेबलस्पून ऑयल के डालेंगे पैन में। ऑयल को आप अच्छे से गर्म हो लेने दीजिएगा। लहसुन अदरक को हम अच्छी तरह इसमें फ्राई कर लेंगे। लहसुन अदरक हमारे पास यहाँ पे फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1/2 kg मटन कलेजी। मटन कलेजी को आपने 10 मिनट पहले सिक्के में अच्छी तरह मिक्स करके रख देना, ताकि इसके अंदर जो स्मेल है वो चली जाए। कलेजी को हम अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। ये बहुत सिंपल सी रेसिपी है और सिर्फ 2-3 स्टेप में ये तैयार हो जाती है। बहुत ज़बरदस्त मटन कलेजी आपके पास। अच्छी तरह इसको फ्राई करते रहें। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 कद कटा हुआ टमाटर। टमाटर को अच्छी तरह इसमें भून लेंगे। टमाटर ऐड करने के बाद हम कलेजी को 5 मिनट तक के लिए कवर करके रख देंगे। तब तक हम वेट कर 5 मिनट के बाद हम लिड को ऊपर से हटा दें। कलेजियों को मसाले के साथ भूनने के बाद अब हम इसके अंदर 1/2 टेबल स्पून हमने इसके अंदर ऐड किया है कुछ धनिया। कलेजियों को हम अच्छी तरह भून लेंगे। अब व्यूवर्स, हम इसके अंदर हंसते जायका नमक ऐड कर देंगे। नमक हम एंड में इसलिए ऐड कर रहे हैं ताकि जो कलेजियाँ वो सख्त ना हो। अगर हम इस नमक को शुरू में ही ऐड कर लेते हैं, कलेजियाँ जो हमारे पास थी उन्होंने सख्त हो जाना था। अब इसको थोड़ा सा और इसके साथ फ्राई कर लेंगे और फिर हमारी झटपट सी कलेजियाँ तैयार हो जाएंगी। अब हम इसके अंदर मीडियम साइज का 1/2 लेमन ऐड कर देंगे। लेमन ऐड करने से क्या होगा, कलेजियों का जो टेस्ट है वो और अच्छा हो जाएगा। व्यूवर्स, यहाँ पे हमारे पास जो नमकीन कलेजी हैं वो तैयार हो चुकी हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। अब हम ऊपर थोड़ा सा इसमें धनिया गार्निश कर लेंगे। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करिएगा, वीडियो को एंड तक वॉच करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। तो हमें कॉमेंट में बताइएगा आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। अपना बहुत